है, जिस जुनून तेजस्वी यादव में है, उसी जुनून आरजेडी के हरेक कार्यकर्ताओं में आपको दिखेगा। जितने भी महागठबंधन कुछ वास्तव कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है उनका, जैसे नीतीश कुमार के नीतीश कुमार से भी बदतर है। भतीजा नीतीश कुमार को मानते हैं तो बिहार का जितना युवा साथी है सब उनका भतीजा है, तो तेजस्वी यादव एक भतीजा नहीं, बिहार के 13 का कौन डिग्री का देना है। इतना भीड़ हो, इतना इस जो लगी है युवाओं की भीड़, पूरे बिहार का टूट तेजस्वी यादव को हाथ को मजबूत करने के लिए खून पसीना बहाकर इतनी बरसात में भी आप जिस गांधी मैदान में डटे हुए हैं, ताकि हमारे नेता का हौसला कमजोर नहीं हो, हम लोग का बात आगे करने वाले युवा आदरणीय तेजस्वी यादव को हाथ को मजबूत करने के लिए हम लोग डटे हुए हैं। और अभी हमारे नेताजी का आगमन नहीं हुआ है, जितना जनसंख्या आपको इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में दिख रहा है उतना से कहीं ना कहीं ज़्यादा जनसंख्या पटना के गली गली में आप जाके देख लीजिए, हो सके तो ड्रोन से कवरेज करने का काम करिए। जितना गांधी मैदान में है उससे ज्यादा आपको पटना के हर एक गली चौराहा पे लोग भरने का काम किए हैं। तो कहा इस महारैली से 2024 का चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज के इस महारैली से और हमारे नेताजी का आदरणीय तेजस्वी जी का जो आज का डेट रखा गया था 3 मार्च महारैला, वो रविवार का दिन इसलिए रखा गया था ना कि बीजेपी वालों को होश उड़ाना है, और जितने भी एनडीए में छोटी छोटी पार्टियां गए हैं वो अपना ख्याल रख लें कि बीजेपी का एक ही मकसद है कि छोटी पार्टियां को मिटा देना है, और आरजेडी छोटी पार्टी नहीं, एक बड़ी पार्टी है, स्टेट लेवल की पार्टी है, और आने वाले 10 साल 20 साल में ये आरजेडी आपको हर एक स्टेट में जिस तरीके से बिहार में अपना एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ा है, उसी तरीके से भारत के हर एक राज्य में आरजेडी आपको एक मजबूत स्तंभ के रूप में दिखेगा। तो मैं एनडीए के साथ जितने भी छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, एक छोटा भाई होने के नाते, छोटा लड़का होने के नाते, कि अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मोदी चाचा और बीजेपी को नहीं, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि बीजेपी सभी छोटी पार्टियों को निगलने का काम करेगी, और उसमें आरजेडी कभी निगलने वाला नहीं है, उनके सामने घुटना टेकने वाला नहीं है, कभी नहीं समाहित होने वाला है। जिस जुनून लालू यादव में है, जिस जुनून तेजस्वी यादव में है, उसी जुनून आरजेडी के हर एक कार्यकर्ताओं में आपको दिखेगा। जितने भी महागठबंधन के घटक दल हैं सारे कार्यकर्ताओं में तेजस्वी यादव, लालू यादव, तेज प्रताप यादव का खून दिखेगा और हौसला दिखेगा। देखिए आप आज के इस महारैला में जन विश्वास महारैला, जन मतलब लोग और विश्वास मतलब भरोसा, और यात्रा करके आज रैला निकाले हैं, रैला मतलब लाखों करोड़ों की भीड़, तो युवा जन मतलब लोगों और विश्वास मतलब भरोसा, और रैला मतलब लाखों युवाओं करोड़ों का भीड़। तो आप देखिए आज का इस गांधी मैदान में पूरे पटना के तमाम सड़कों में देखिए कि किस तरह से महागठबंधन के लोग तेजस्वी यादव के आह्वान पे, तेजस्वी यादव ने 10 महीने में हर एक जिले में जाकर न्योता देने का काम किया है, और एक छोटा आदरणीय तेजस्वी यादव जो बिहार का बेटा है, भाई है, उनका सब लोग न्योता स्वीकार करके आज गांधी मैदान को, पूरे पटना को भरने का काम किए हैं। क्या लगता है इस बार 2014 में सफल होगी? एकदम सफल होगी। कितना सीट? और 2025 में विधानसभा में हम लोग 243 सीट जीत के आएंगे हम लोग। इतना विश्वास है? इतना विश्वास है, और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, और नीतीश चाचा को तो ऐसा पटका जाएगा कि दोबारा उठेंगे नहीं वो। अच्छा, तो उधर चिराग पासवान कहे थे कि हम मुख्यमंत्री, उनका कोई अस्तित्व है जी? कुछ अस्तित्व नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है उनका, जैसे नीतीश कुमार के नीतीश कुमार से भी बदतर है। देखिए अस्तित्व का मतलब आपको बताता हूँ कि जितने भी छोटी पार्टियां हैं आज तक आरजेडी हमारे बीजेपी के साथ कभी समाहित नहीं हुआ है और न कभी समाहित होगा, और जितने भी आरजेडी के छोड़ा करके जितने भी छोटी छोटी पार्टियां हैं सारे पार्टियां ने बीजेपी में जाने का काम किया है, चाहे वो हमारे जीतन राम मांझी जी का हम हो, चिराग पासवान जी का लोजपा हो, पशुपारस पासवान जी का लोजपा हो,
जितने भी छोटी छोटी पार्टियां हैं सारे बीजेपी में जाने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं उन लोग का अस्तित्व तो है। अगर उन लोग का अस्तित्व रहता, बिहार को बचाना रहता, लोकतंत्र को बचाना रहता, तो लोग एनडीए के साथ जाते। जो नीतीश चाचा हमारे तेजस्वी जी का अपने भतीजा के हाथ पकड़ के चले थे कि केंद्र में हम लोग मोदी सरकार को रोकने का काम करेंगे, सारे लोग जा के मीटिंग कर रहे थे, सारे जगह के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हो रहा था। आज जो नीतीश कुमार का वादा कहा गया, आज जो नीतीश कुमार का वादा कहा गया, जो तेजस्वी जी का हाथ पकड़ के अपने भतीजा का हाथ पकड़ के पूरे देश के सारे मुख्यमंत्रियों को एक करने चले थे कि मोदी जी को उखाड़ के फेंकना है, एनडीए अलायंस गठबंधन चले थे, तो वही तेजस्वी यादव जिस दिन विधानसभा में 243 विधायकों के सामने तेजस्वी यादव ने सीना ठोक के बोला है कि चाचा जिस मोदी जी को आप रोकने चले थे कोई बात नहीं, आप हमको छोड़ दिए, लेकिन आपका भतीजा मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। और तेजस्वी यादव जो भतीजा नीतीश कुमार को मानते हैं, तो बिहार का जितना युवा साथी है सब उनका भतीजा है, तो तेजस्वी यादव एक भतीजा नहीं, बिहार के 13 करोड़ सारे भतीजा समझ जाइए कि मिल जाएगा तो मोदी जी बिहार से उनका दम सफाई है, पूरा इंडिया खत्म, पूरा इंडिया खत्म है। देखिए ना मोदी जी का डर देख लीजिए आप, विधानसभा में जिस तरीके से वो फ्लाइट उड़ा रहे थे उसी तरीके से देखिए हम लोग का आज रैला है। हमारे मोदी जी हमारे औरंगाबाद में कल आए थे, बेगूसराय में भी आए थे, काहे के लिए कि तेजस्वी यादव को कमजोर कर देना है, तोड़ने के लिए हिम्मत को कमजोर करना, हौसला कमजोर करना है। एक दिन पहले रखे थे कि जल्दीबाजी में जी, लेकिन आरजेडी झुकने वाला नहीं है, हम लोग टूटे जी, हम लोग टूटे, देख रहे हैं गांधी मैदान में भीड़, बस पैर रखने का जगह नहीं है। और ये तो आपके चैनल और समय मिलता तो और इससे भी ज्यादा भीड़ रहती। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी देख रहे हैं आपके व्यूअर्स लोग, चाहे जितने भी बिहार के जहां तक इस लाइव को देख रहे हैं, उन लोग से मैं कहना चाहता हूं कि आरजेडी कहीं भी कमजोर नहीं है, एक बहुत बड़ी मजबूत पार्टी है और धरातल की पार्टी है, हर एक जगह पकड़ है, हर एक जगह वोटर है, लेकिन जनमत लूटने का काम बीजेपी करता है। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी जनमत लूटने का काम करेगा, और वो हम लोग की बस की बात नहीं है। हम लोग की बस की बात इतना है कि हम लोग एक कर सकते हैं, वोट दिला सकते हैं, लेकिन बीजेपी जनमत लूटने का काम करता है। केंद्र सरकार और नीतीश जी का सरकार वो सारे एसपी और डीएसपी के मिला के हमारे प्रतिनिधियों को हराने का काम करेगी। अच्छा। तो उस चीज के लिए मैं अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव से जिसे कहना चाहूंगा कि आप अपने जितने भी लोकसभा के कैंडिडेट रहेंगे, सारे जितने भी लोकसभा के प्रत्याशी रहेंगे, काउंटिंग दिन दम मजबूत से, अकेले नहीं, खाली लोकसभा के प्रत्याशी रहेगा उनके साथ मजबूत 11 साथी को लेके जाना है काउंटिंग रूम में, कि कोई भी एसपी डीएसपी आ जाए झुकना नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ दिखा काउंटिंग रुका देना है। इतना भीड़ और इतना इस जो लगी है युवाओं की भीड़, पूरे बिहार का टूट पड़ा है पटना में, वोट कहाँ जाता है जी? तो बस तेजस्वी यादव से यही अपील है और रिक्वेस्ट है, मैं एक छोटा होने के नाते उनको विचार दे रहा हूँ कि काउंटिंग दिन आप जितना कर रहे हैं ठीक है, बस काउंटिंग दिन जितना हो सके ख्याल रखिए, अपने प्रत्याशियों के साथ जितना से जितना अधिक लोगों को आप अंदर घुसाने का काम करिए, उससे आपके प्रत्याशी को हौसला मजबूत होगा और सामने वाला डीएमएसपी डर रहेगा कि इस प्रत्याशी के साथ 11-21 लोग यहाँ हैं, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो काउंटिंग रूम में हल्ला होने का काम शुरू हो जाएगा। और जब काउंटिंग रूम में हल्ला होगा तो समझ जाइए जो बाहर रहेंगे आरजेडी के लोग, वो लोग फिर समझ जाइए क्या होगा। तो ईवीएम में है कुछ, तो उसी चीज को तो बता रहे, ईवीएम वही बता रहा हूँ, जनमत लूटने का काम वही, वोट लूटने का काम करता है बीजेपी का। औकात नहीं है कि बैलेट पेपर से चुनाव करा लेगा, जिस बैलेट पेपर से थोड़ा चुनाव होता है ईवीएम से पहले वाला, उसमें मोदी जी लूटने का काम करते हैं, अब ईवीएम में भी लूटते हैं। आप देख लीजिए पिछले विधानसभा में हमारे बहुत सारे विधानसभा के प्रत्याशियों को 6 वोट से 7 वोट से बहुत सारे लोगों को हराया गया है। ये बोलता है सब बीजेपी वाले सम्राट चौधरी जी हो गए, जितने भी सब चूतिया लोग हैं सब बोलता है कि आरजेडी के पास वोटर नहीं है, जनमत नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि आरजेडी अकेले ना पूरे विधानसभा में आपसे मात्र 10,000 वोट ने काम लाया है, और 10,000 वोट काम वो लाया नहीं है, वो तो 33% लाया है, 10,000 वोट काम नहीं लाया है। आप उस 10,000 को 5 गुना कर दीजिए, 50,000 वोट बीजेपी लूटने का काम किया होगा ईवीएम में। तेजस्वी हारा नहीं है, हार के भी जीता हुआ बंदा तेजस्वी यादव है। और